हम लोग ने पहले क्लास में आपका ASTC रूल को डिराइव किया था। वी स्टार्टेड विद द बेसिक्स, क्लास 10 वाला जो बेसिक्स था आप लोगों का, कि हम लोगों के पास कितनी आइडेंटिटीज होती है ट्रिगो में? 6. 3. We have 6 trigonometric ratios, but we have 3 trigonometric identities. I'm talking formulas. आपका ये 3 था, sin square plus cos square 1 होता है, sec square minus tan square 1 होता है, cosec square minus cot square 1 होता है। Then जो आप लोगों का क्लास 11 का बिगिनिंग है, that is ASTC rule. So हम लोग क्लास 11 में ये देखते हैं कि हम लोगों का जो एंगल्स होता है that can vary from 0 degree to any number of degree. ठीक है, 300, 340, 1200 कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा एंगल का जो मेजरमेंट होता है, हमेशा हम लोग जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो किसके साथ करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। हमेशा एंगल का मेजरमेंट इससे किया जाता है और एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बटे हुए, आप घूमना स्टार्ट करते हो तो ये 0 डिग्री, ये हो गया 90, दिस बिकम्स 180, दिस बिकम्स 270, देन 360, प्लस 90 प्लस 90 करते जाओ। सो वी हैव 4 क्वाड्रेंट। सो व्हेनेवर योर एंगल विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा कोई मेजर है जिसको आप कैलकुलेट करके अगर देखते हो और वो एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोगों का जितना ट्रिगो है वो सारा पॉजिटिव होता है, सारा 6 का 6 ट्रिगो पॉजिटिव होता है। मतलब अगर मैं आपको साइन 60 बोल रही हूँ, मैं साइन 370 बोल रही हूँ, सी 360 अगर यहाँ है तो 370 ऑब्वियसली यही होगा। हाँ, एग्री कर रहे हो? तो ये सारे एंगल्स आपके ट्रिगो के लिए पॉजिटिव देंगे। वही मैं अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। ठीक है, अब एक चीज देखो, हर रूल कैसे बदल रहा है, जैसे ही आप क्वाड्रेंट चेंज करते हो रूल बदल रहा है। एग्री कर रहे हो? क्वाड्रेंट कितने डिग्री बाद बदलता है हर बार? 90 डिग्री। इसीलिए हम लोगों के लिए 90 डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास अगर कोई भी एंगल आता है मैं उसको 90 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आई कम टू दैट। पहला, सपोज मैं अगर आपको बोलूं साइन 210 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट है 210? थर्ड। तो आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। यही मैं कॉस 210 अगर बोलूं क्या होगा? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है। मैं tan 210 अगर पॉजिटिव, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एक चीज देखो, हम लोग क्वाड्रेंट ढूंढना सीखा। अब जैसे ये तो बहुत छोटा सा एंगल हो गया, अगर मैं आपको बहुत ही बड़ा एंगल देती हूँ कुछ, ठीक है, गिव एन एंगल विच इज नॉट डायरेक्टली विजिबल टू योर आई कि भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तब हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैं अगर आपको दूं साइन 480, तो आप क्या करोगे, इस 480 को 90 से डिवाइड करो। ठीक है, 9 5s 450, रिमाइंडर 30। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 × 5 + 30। अग्री कर रहे हो? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। हाँ मैम। अब देखो 90 × 5, जब मैं घूमना स्टार्ट करती हूँ, मैं यहां से चलना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट 90, दिस इज माई सेकेंड 90, 90 × 2, ये हो गया 90 × 3, ये लाइन हो गया 90 × 4। मतलब मैं अगर 4 बार 90 लूं तो मैं वापस से ओरिजिनल लाइन में ही पहुंच जाती हूँ ना। हाँ मैम। तो 90 × 4 यहाँ है, मुझे जाना है 90 × 5, सो दिस इज 90 × 5। उसके बाद कुछ प्लस भी करना है, प्लस 30 करने से हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्या क्या बोल रहे हो कृतिका? ओके उसको समझ नहीं आया वो वापस से बोलते हैं। देखो हम लोग का ये ओरिजिनल लाइन होता है, दिस इज माय ओरिजिनल लाइन। I start counting. When I start counting, my first 90 comes here. This is 90 into 1. फिर और एक बार 90 डिग्री अगर आप घूमते हो तो 90 into 2 ये वाला लाइन होता है, फिर 90 into 3 ये वाला लाइन है, 90 into 4 ओरिजिनल लाइन हो गया। तो अब जब आप 90 को 4 बार यानी 360 डिग्री होता है, जब आप पूरा 360 डिग्री घूम जाते हो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, वापस से रेफरेंस लाइन पे आ जाते हो। पर मुझे घूमना है 95 बार, सो कंटिन्यू रोटेटिंग। मैं यहाँ पहुंच गई 90 into 5, सो 90 into 5 lands me here, पर आपको साथ में एडिशनल 30 भी जाना है। तो जब आप 30 डिग्री और जाओगे तो आप कहाँ लैंड करोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो लैंड करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा? आप क्वेश्चन देखो, साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, तो मेरा आंसर पॉजिटिव होगा। यहाँ तक ठीक है मैम? एक बार रिपीट कीजिएगा। आपका मैंने 19 to 5 plus 30 किया, वो कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकंड क्वाड्रेंट आया। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्वेश्चन क्या था? साइन 480 है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो मेरा इसका जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या आंसर होगा मैं उस पर भी आऊंगी, पहले साइन सीखना सीखो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब करता है ये सीखो। समझ आया ये वाला पार्ट? हाँ मैम। अगर मैं आपको बोलूं tan 870, बताओ क्या लिख सकते हो आप इसको? आप 90 से ही करोगे हमेशा, आप 90 से इसको डिवाइड करो, मेरे को बताओ हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 90 into 9 plus 60 डिग्री। All of you agree with this? Yes ma'am. Yes ma'am. अब एक चीज नोटिस करो, जब मैं घूम रही थी मेरा 90 into 4 यहाँ आया था ना, 90 into 5 ये रहा, 90 into 6, 90 into 7, 90 into 8। अगर आप एक चीज नोटिस करो, 90 into 4 का मल्टीपल हमेशा कहाँ आएगा? रेफरेंस लाइन पे आ जाएगा वापस से, ओरिजिनल लाइन पे। तो आप क्या देखो, आप नियरेस्ट वो देख लो। जैसे मेरे को दिया गया 90 into 9, तो 9 का नियरेस्ट 4 का मल्टीपल क्या होता है? 8 होता है। तो 90 into 8 मेरे को यहाँ छोड़ेगा ओरिजिनल लाइन पे। अब आपको जाना कितनी बार है? 90 into 9, तो और एक बार ही घूमो। ये मेरा 90 into 9 हो गया। This line is 90 into 9। अब मुझे प्लस करना है ना माइनस करना है? प्लस। प्लस, तो प्लस 60 करोगे, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव, सो ये माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ मैम। अगर मैं आपको बोलूं cos 90 into 17 minus 45, अब देखो 90 into 17, अब हम लोग गिनना तो नहीं स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 करके। 17 का नियरेस्ट 4 का मल्टीपल कौन होता है? 16। तो 90 into 16 आपको यहाँ रखेगा ओरिजिनल लाइन पे, ठीक है? जब भी कोई 4 का मल्टीपल है 90 का, वो आपका ओरिजिनल लाइन पे आ जाता है। तो 90 into 4 जो है वो मेरा ओरिजिनल लाइन पे आ गया, ये रहा। अब आपको कितना जाना है? 16 तक जाना है ना, 17 आपको जाना है 17 तक। यहाँ तक 16 हो चुका, अब आप 17 पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? कहाँ पहुंचोगे? ये हो गया 90 into 6, ये हो गया आपका 90 into 70। अब आपको -45 करने बोला, -45 करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा कॉस का वैल्यू? पॉजिटिव। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ मैम। एक एक जन को कृषिव। हाँ मैम। कुंदन ठीक है यहाँ तक? हाँ मैम। ओके, अब मैं एक दो और लिखती हूँ, आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव डिक्लेयर करो अपनी कॉपी में। पहले मैम ये वाला लिखना है ना? हाँ। मुझे बताना ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव। कर लो तुम सब लोग, लिख भी लो यहाँ पर। मैम फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकंड वाला नेगेटिव हुआ आप लोगों का। ओके 19 to 6, 19 to 4 मेरा यहाँ होगा, 19 to 4 मेरा यहाँ हो गया। यहाँ पे बना लेते चलो, 19 to 4 मेरा यहाँ हो गया। फिर ये 19 to 5, ये हो गया 19 to 6। प्लस 30 करने बोला, प्लस 30 तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेक्स्ट सेकंड वाला 19 to 97 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 96 यहाँ होगा। हाँ मैम। अब 97 यहाँ हो गया। -45, -45 करने से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो मेरा दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ मैम। सो ASTC रूल जो है वो हमें क्या चीज में हेल्प कर रहा है? It helps you to see the sign of your trigger, कि भाई वो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, ये समझने में ASTC रूल हेल्प करता है। ठीक है, सो हम लोगों को ASTC रूल हेल्प कर रहा है। नोट ASTC रूल helps in finding the sign of trigonometric ratios। सो हम लोगों ने पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा ये तो ढूंढ लिया। ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोग सबको? हाँ मैम। मैम बोलो। ये साइन 480 डिग्री 480 डिग्री की जगह अगर 450 डिग्री होता तो उसका 19 to 5 हो जाता। फिर उसका साइन जो एक्सिस के ऊपर है उसके लिए वेट करो। मैं खाली क्वाड्रेंट का एक बार बता दूं, जो 0 से 90 होगा, 90 से 180 होगा, जो 90 ही है, जो 180 ही है, उस पर मैं थोड़ी देर में कमेंट करूंगी। ठीक है, ओके अच्छा पॉइंट था आपका। सी गाइस, आप लोगों का जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 का आगे पीछे हो रहा है, प्लस समथिंग माइनस समथिंग। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं tan 90 into 7, ये कहाँ लाई करेगा? ये तो एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ना। 19 to 7 कौन हो गया? 19 to 7 ये वाला लाइन होता हमारा। 19 to 7 ये हमारा लाइन। ये लाइन होता है। ठीक है, अब इस लाइन को हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे ना फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, दैट इज अ कंफ्यूजन। सो जो एंगल्स आपका एक्सिस पे लाई करेगा मैं उसको अलग से समझाऊंगी। ठीक है, अभी खाली उन एंगल्स का बात कर रहे हैं जो आपका क्वाड्रेंट्स के बीच में लाई करता है, नॉट ऑन द एक्सिस। क्लियर है? यस मैम। ओके, सो जो एंगल्स बीच में हमारे क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं उसका साइन देखने के लिए हम ASTC रूल का हेल्प कर रहे हैं। जो भी एंगल दिया है उसको 90 के टर्म्स में लिखो। सी द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। ठीक है, हमेशा 90 into any multiple of 4 ब्रिंग्स यू बैक टू योर ओरिजिनल रेफरेंस लाइन। आगे बढ़े। ओके, अब शांति से देखो, एक बार कुछ नहीं बोलना, मतलब कुछ नहीं लिखना, सॉरी। शांति से सुनो। मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ पार्टनर्स कौन होंगे। अब ये पार्टनर्स हमेशा कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। मेरा साइन और कॉस एक दूसरे का पार्टनर्स होता है। सी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, लेकिन इकलौता वही फॉर्मूला है जिसमें इन दोनों का जोड़ी बना होगा। अब हम लोग जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे सभी में हम लोग जो जोड़ी बनाएंगे वो साइन और कॉस का ही बनेगा। सो साइन एंड कॉस दे आर पार्टनर्स, टैन एंड कॉट दे आर पार्टनर्स, सेक एंड कोसेक ये लोग एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर माय पार्टनर्स। अब मैं इन पार्टनर का कर क्या रही हूँ, अच्छे से समझो इस चीज को। मेरे पास अगर कोई भी ट्रिगो है, मेरे पास अगर कोई भी ट्रिगो है जिसको मैंने 90 इंटू मल्टीपल में लिखा है, प्लस या माइनस कुछ भी हो, जैसे कभी मैंने -45 लिखा है, कभी मैंने +30 लिखा है, मुझे प्लस माइनस से लेन देन खाली एंगल के लिए होता है, साइन के लिए होता है। मैं आप बोल रही हूँ अगर कोई ट्रिगो है जिसके आगे के एंगल को आपने 90 से डिवाइड कर लिया। अब अगर यहाँ पे इवन है, और दूसरा एक चीज हो सकता है अगर आपका यहाँ पे ऑड, दो ही चीज हो सकता है आपका, या तो 90 के साथ इवन नंबर होगा या 90 के साथ ऑड होगा। देखो आप लोग ऑड है, इवन है, ऑड है, ऑड है। सो 90 इंटू आप कुछ भी लिखो वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। आगे का प्लस माइनस मेरे लिए इररेलेवेंट है, मेरे लिए रेलेवेंट फिलहाल के लिए इवन और ऑड है। तो अगर कोई भी ट्रिगो है और उसको आपने ऑड और इवन 19 टू इवन 19 टू ऑड के फॉर्म में अगर लिख दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका अगर इवन है, ठीक है, अगर इवन है तो जो ट्रिगो है वो सेम ही रहेगा। ट्रिगो थीटा ये वैनिश हो जाता है, खाली लास्ट वाला एंगल बचता है। और अगर ऑड है तो इट चेंजेस इनटू पार्टनर थीटा। मैं समझा रही हूँ, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। इट चेंजेस इनटू पार्टनर थीटा। और दोनों के आगे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस डिसाइड करता है ASTC रूल, जो आप लोग ने ऑलरेडी सीख लिया, ठीक है। लेट्स कम बैक हियर। आप लोग को पार्टनर समझ में आया। साइन का पार्टनर कौन है, टेन का पार्टनर कौन है, साइन। टेन का पार्टनर साइन कब हुआ? ओ कॉस का पार्टनर साइन। टैन का पार्टनर कॉट, कॉस का पार्टनर साइन, साइन। कोसेक का पार्टनर सेक, ठीक है। अब आप देखो हम लोग ने यहाँ प्लस माइनस तो खेल लिया था। लेट्स कम टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, इसका बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखो 90 के साथ इवन है या ऑड है? ऑड है। तो अगर ऑड होगा तो मैंने क्या बोला, पार्टनर में बदलो। तो साइन का पार्टनर कौन है, कॉस। कॉस, तो यहाँ आंसर आएगा कॉस। जो भी आपका छोटा वाला एंगल है वो बचेगा, खाली cos 30, सिर्फ cos 30 बचेगा। cos 30 का वैल्यू हमें आता है, cos 30 कितना होता है, √3/2। वापस अब ये सेकेंड नंबर मेरे पास है tan 19 to 9, 9 है, अगेन इट इज ऑड। ऑड में हमें क्या करना है, पार्टनर में बदलना है। टेन का पार्टनर क्या होना है, पार्टनर कॉट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉट 60 डिग्री। व्हाट इज कॉट 60? 1/√3। नेक्स्ट यहाँ ऑलरेडी आपने प्लस लिख रखा था। 17 है, ऑड है, तो कॉस क्या चीज में बदलेगा, साइन। तो यहाँ मैं क्या लिखूं, साइन 45 डिग्री। एंड व्हाट इज साइन 45? 1/√2। नेक्स्ट ऑलरेडी साइन हमारा दिया हुआ है। आपका 90 के साथ है इवन। इवन में मैं tan को क्या चीज में बदलूं, tan में रहेगा। सो आंसर कितना आएगा, tan 30 डिग्री। tan 30। व्हाट इज tan 30? 1/√3। नेक्स्ट साइन 90 into 97, 97 ऑड है तो साइन के साथ क्या होगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 45 1/√2 मैम। हाँ मैम कॉस 90 इंटू 17 माइनस 45 और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं माइनस और प्लस उससे कोई, प्लस माइनस आपको एंगल में बताता है कि आप प्लस कर रहे हो तो उसके बाद वाला एंगल, माइनस कर रहे हो तो उसके पहले वाला क्वाड्रेंट। आपका यहाँ पे बदलने में कोई, आप दो तरीके से सोचते हो, आप पहले देख लो कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है, उस क्वाड्रेंट में आपका क्वेश्चन क्या है प्लस या माइनस दैट, और फिर खाली ये देखना है कि 90 के साथ इवन है या ऑड है। इवन है तो सेम रखो, ऑड है तो बदल दो, ठीक है। अब दोनों काम साथ में करते हैं, दोनों काम हम लोग साथ में करते हैं। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ साइन 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। पहले आप ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले साइन बताओ प्लस या माइनस। माइनस। प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट आया है ये सेकंड, ये 90 इंटू 4 है, ये मेरा 90 इंटू 5 हो गया, प्लस 30 कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में खाली क्वेश्चन को देखना, आंसर क्या आएगा वो नहीं देखना, क्वेश्चन मेरा साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब आप ये वाला रूल लगाओ, 90 के साथ इवन है या ऑड है? ऑड। तो ये साइन किस में बदलेगा कॉस, तो यहाँ क्या आएगा कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3/2। अगर मैं आपको बोलूं tan 90 इंटू 16 माइनस 45, सबसे पहले क्वाड्रेंट बताओ कौन सा होगा फोर्थ। 90 इंटू 16 यहाँ होता है, आप माइनस कर रहे हो, पीछे जा रहे हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस का काम खत्म। अब आप इवन और देखो, 16 इवन है तो मैं क्या लिखूं नीचे माइनस 10 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1। क्लियर है क्या? हाँ मैम। यस मैम। आप लोग लिखो ये। Every teacher has a different method to teach. You adopt one method. ऐसा नहीं कि आपके स्कूल में कोई और मेथड है तो वो रॉन्ग है, ठीक है। He may teach or the sir may teach or teacher may teach in some other way. मैं ये करा रही हूँ, I'll advise कि आप लोग एक जन का किसी का फॉलो करो. Do not get confused. मैम इसमें जो माइनस वो आगे वाला नंबर पे डिपेंड होगा क्या या फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से? क्वाड्रेंट आपका, पहले आप इस पूरे एंगल को देखो और बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, और उस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन, मुझे मतलब ही नहीं कि वो ट्रिगो बदल रहा है अपने पार्टनर में या नहीं, क्वेश्चन उस क्वाड्रेंट में प्लस है या माइनस, ये देखो। मैम बोलो, जो पहला आपने एग्जांपल दिया ना 90 इंटू 17 माइनस 45, ये हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, 90 इंटू 17 माइनस, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना हम लोग। ये 19 into 16 हो गया, ये 19 into 17 हो गया। अब आप माइनस कर रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैम मैम हमने वो साइन 19 to 97 वाला कैसे किया, जल्दी से आप एक बार देखो। 97 का नियरेस्ट 4 का मल्टीपल कौन है, देखो 96 तो 96 यहाँ आएगा ओरिजिनल पे रेफरेंस लाइन पे। अब आप आगे बढ़ जाओ तो 19 into 97 ये रहा, -45 करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं अगर आपको 90 into 101 बोल रही हूँ तो आप रेफरेंस लाइन पे पहले किसको लाओगे, अगर मैं 90 into 101 बोल रही हूँ तो आप रेफरेंस लाइन पे किसको लाओगे मैम, 100 फिर 101 आगे कैलकुलेट कर लो। ओके आप लोग ने लिख लिया, कुछ कुछ सम्स करते हैं। हाँ मैम, हाँ मैम। ओके, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लो, विल डिस्कस इट टुगेदर। नंबर 1 साइन 120 कॉट 330 sec 210 cos 315 and 660 cot 1110 डिग्री। करो सारे करो मैम। हाँ मैम मैंने वो 90 वाला पार्ट मिस कर दिया था, सो भेजा रिकॉर्डिंग। ओके मैम चेक कर। आप उसको देखो, नहीं समझ में आने से आप बता। ओके मैम। हम लोगों का फर्स्ट वाला, हम लोग सबसे पहले 120 डिग्री है, 120 डिग्री को क्या लिखेंगे, साइन 19 into 2 minus 60 डिग्री। अब पहले क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये है इवन, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 कितना होता है? रूट 3/2। शिवांशु आपको समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ मैम, हम लोग इसको 90 × 1 + 30 पे तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, 90 × 1 + 30, बढ़िया है। तो ये अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। यस मैम। अब 1 है ऑड, तो ये क्या चीज में बदलेगा? कॉस, कॉस 30 हो गया। व्हाट इज कॉस 30? √3/2। सेम ही आएगा आंसर, कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी कर सकते हो जैसे अच्छा लगे। नेक्स्ट कॉट 330 डिग्री, कॉट 90 × 3, कॉट 90 × 3 + 90 × 3 + 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। कैसे? फोर्थ। 1, 2, 3 + 60, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा? नेगेटिव, तो यहाँ माइनस। अब ये 3 आपका ऑड है, तो ये किस में बदलेगा? 10। tan कितना? 60 डिग्री। tan 60, और tan 60 कितना होता है? √3। क्लियर है क्या? हाँ। रचित, नंबर 3 बताओ ना। मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज। हम सेट 90 × 3 माइनस 90 × 2, तो माइनस कैसे? नहीं, 90 × 3, 90 × 3 -60। बढ़िया। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। 1, 2 और 3 -60, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव। तो अब 3 ऑड है, तो सेक किस में बदलेगा? नेगेटिव, तो मैंने लिख दिया। 3 ऑड है तो पार्टनर में बदलता है ना, तो सेक का पार्टनर कौन है? मैम इसको हम लोग 19 × 2 करके, हाँ वैसे एक सेकंड ये कंप्लीट कर लेते हैं। सेक किस में बदलेगा? कोसेक में, तो ये कोसेक 60 हो गया। एंड व्हाट इज कोसेक 60? जो भी साइन 60 होता है उसका उल्टा कर दो। साइन 60 हमने कितना लिखा है? 2/√3। हाँ, √3/2 था, तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसको जैसे अभी आप लोग बोल रहे हो, सेक 90 × 2 + 30 भी लिख सकते हैं। रहेगा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट ही, थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस हो गई। 90 × 2 इवन है, तो ये सेक ही रहेगा, सेक 30। सेक 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल होता है, तो सेम आंसर होगा -2/√3। हाँ मैम, आप कोई भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा, डज नॉट मैटर। शिवांशु, नंबर 4। मैम 90 × 3 कॉस 90 × 3 + 45। 90 × 3 + 45, ठीक है। आगे पहले साइन बताओ, प्लस या माइनस? फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस प्लस, बहुत बढ़िया, प्लस होगा। देन cos I think ये odd है sin 45 बढ़िया पार्टनर में बदला तो sin 45 sin 45 is 1/2 कृतिका tan 660 मैम tan 19 to 7 plus 30 बढ़िया पहले साइन बताओ साइन होगा नेगेटिव कारण क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा आपका 19 to 4 यहाँ होता है 5 ये रहा 6 ये रहा 7 ये रहा प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव आगे ये ऑड है कॉट तो ये कॉट 30 बढ़िया कॉट 30 होता है माइनस 1/√3 नहीं खाली रूट खाली रूट होता है नैना मैम जो नंबर 4 है वो नेगेटिव नहीं होगा क्या क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना फोर्थ आप क्वेश्चन देखो आप साइन का एंगल मत देखो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रही है आपने सही बोला पर क्वेश्चन देखो आप ये मत देखो कि यहाँ साइन है आप देखो क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन में कॉस था तो कॉस यहाँ क्या होता है दैट विल बी योर आंसर मैम हाँ ओके नैना कॉट 1110 लेना है निशा अनुश्री बोलो cot 19 to 12 plus 30 डिग्री बढ़िया कंटिन्यू साइन साइन पॉजिटिव होगा cot 30 डिग्री हो जाएगा 12 यहाँ आता है प्लस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में सब पॉजिटिव और इवन है तो ये बदलेगा भी नहीं तो ये हो जाएगा cot 30 So cot 30 is √3. ये अच्छे से सबको समझ आ गया हाँ मैम हाँ मैम हाँ मैम ओके ये सेम काम ना हम लोग पाई में भी करते हैं ठीक है जैसे डिग्री जब होता है तब तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है अगर कभी क्वेश्चन पाई में है तो आप उसको डिग्री में बदल के भी कर सकते हो नहीं तो आप उसको पाई में भी डील कर सकते हो ठीक है अगर मैं पाई में बात करूं आप लोगों से वापस से सेम ही एक्सरसाइज बात कर रहे सेम चीज रिपीट कर रहे हो बस मैं पाई में समझा रही हूँ ये 0 डिग्री होगा अगर पाई में बात करें तो मैं 90 डिग्री को कितना लिखूंगी पाई बाय टू ये क्या होगा 180 डिग्री पाई 90 2 बार होता है फिर 270 90 3 बार होता है 90 होता है पाई बाय 2 तो 270 3 पाई बाय 2 हो जाएगा 3 बार ही 90 घूम रहे हो हाँ मैम फिर 360 डिग्री के जगह 2 पाई तो हर एक 90 यानी हर एक पाई बाय 2 में आपका क्वाड्रेंट बदल रहा है सब कुछ लॉजिक सेम है बस आप एंगल को डिग्री में नहीं लिख के पाई में लिख रहे हो इतना ही फर्क है अब मैं अगर आपको पूछूं साइन पाई प्लस पाई बाय सिक्स कितना होता है 30 डिग्री पाई कितना होता है 180 डिग्री तो 180 डिग्री मतलब 90 इंटू 2 होता है ठीक है हाँ, अगर आपका पाई बाय 2 इंटू इवन है तो सेम रहेगा पाई बाय 2 इंटू ऑड है तो बदलेगा तो पाई तो इवन हो गया हाँ मैम तो बदलेंगे नहीं हम साइन ही रहेगा साइन पाई बाय 6 कौन सा क्वाड्रेंट है ये तो ये पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव तो माइनस साइन 30 एंड साइन 30 इज हाफ अगर मैं आपको आपने क्या लिखा पाई बाय 2 इंटू इवन पाई बाय 2 इंटू ऑड अगर इवन है तो सेम रहेगा ऑड है तो बदलेगा सेम ऊपर वाले मैम एक और वापस देखो आप लोगों का पाई में जब होता है वो लिखा हुआ पाई में है आप उसको एंगल में विजुअलाइज कर सकते हो ना ये आपको पाई बोला हुआ है इसका मतलब 180 डिग्री है 180 क्या होता है 90 इंटू 2 पाई बाय 6 मेरा 30 डिग्री है तो 180 प्लस 30 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया इसलिए नेगेटिव अब 90 इंटू 2 में बदलेगा तो नहीं, तो ये साइन 30 रहेगा एंड साइन 30 होता है हाफ। ओके साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4। 2 पाई का मतलब कितना होता है? 360 डिग्री में ट्रिगो बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ये साइन पाई बाई 4 रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो क्या होगा साइन? नेगेटिव। तो ये हो गया -1/√2। फिलहाल शुरू ही कर रहे हैं ट्रिगो, तो अभी अगर आप लोगों को एक बार पाई में डील करने में दिक्कत लग रहा है, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री एंड देन यू कैन फॉलो जो ऐसे हम लोगों ने ऊपर किया। वंस यू गेट होल्ड ऑफ दीज थिंग्स, आप लोगों को पाई वाला सिस्टम से करने में भी इजी लगेगा। हम लोग अभी मेजोरिटी डिग्री में ही कर रहे होंगे, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया ऊपर वाला? हाँ मैम, हाँ मैम। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ कुछ ऐसे पूछ रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस है, आप मेरे को आंसर दो डायरेक्ट। मैं आपको पूछ साइन 90 माइनस, लिखते जाओ आप लोग आंसर। इसमें वैल्यू नहीं निकलेगा, थीटा में आंसर रहेगा, सो लेट इट बी। कर लिया? हाँ मैम। ओके सबसे पहला साइन 90 माइनस थीटा। अभिलाषा हम कॉस थीटा। किसी को डाउट हो पूछना। 90 इंटू 1 है इसलिए साइन कॉस में बदला, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट अनामित्रा, कॉस 90 प्लस थीटा है ही नहीं। अनन्या मैम साइन थीटा। ओके 19 to 1 है इसलिए कॉस तो साइन में बदल गया। 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस होगा ना। आप आंसर मत देखो, आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में जो ट्रिगो है वो क्या होता है, आंसर में जो ट्रिगो है उसका नहीं चेक करना है। क्वेश्चन कॉस का था तो कॉस वहां पे क्या होता है ये देखो, ठीक है? यस मैम। आर्यन tan 180 प्लस थीटा। मैम मैम साइन माइनस क्यों हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। वापस बोलो नैना। मैम साइन नेगेटिव क्यों हुआ? साइन नहीं नेगेटिव हुआ है आपका, देखो सेकंड क्वाड्रेंट आया 90 प्लस थीटा, दैट इज ओके राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मेरा कॉस है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आया। इसलिए मैं पहले साइन डालती हूँ फिर आप ट्रिगो बदलते हो, ठीक है? तो आपका आंसर में क्या ट्रिगो है, कॉस या साइन, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। मेरे क्वेश्चन में जो ट्रिगो है मुझे उससे लेन देन है। ओके आर्यन tan 180 प्लस थीटा फटाफट। मैम माइनस tan थीटा। ओके क्यों? मैम tan थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का माइनस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कब से माइनस होने लगा? ASTC T tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मैम सॉरी tan थीटा ही होगा। तो प्लस 180 is 19 to 2 इसलिए tan tan ही रहा। थर्ड क्वाड्रेंट है 180 यहाँ होता है तो 180 प्लस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन जो tan है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है हर्षी, नेक्स्ट cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा। बढ़िया, cot है 180 है इसलिए cot ही रहा। सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए cot नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट कृपा, sec 270 प्लस थीटा। मैम प्लस cosec थीटा। बहुत बढ़िया, आपका 270 19 to 3 होता है इसलिए बदल गया ट्रिगो, sec cosec में बदला। 270 यहाँ होता है, प्लस करोगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec आपका पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन देखना, आंसर नहीं। पलक, cosec 270 माइनस थीटा। मैम माइनस sec थीटा। बहुत बढ़िया, तो 270 इसलिए चेंज हो गया। 270 माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में cosec सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है। ठीक है क्या? हाँ मैम। एक चीज देखो, जब भी 180 है, 180 बेसिकली होता क्या? 180 is 19 to 2 राइट? तो अगर आपका एंगल 180 समथिंग है, ठीक है, अगर एंगल आपका 180 into समथिंग है, कुछ भी हो वो ऑड इवन कुछ भी, क्योंकि 180 खुद 90 का इवन है, नो चेंज, कुछ बदलाव नहीं आएगा। वही अगर आपका 360 है सेम चीज, 360 into something, वो समथिंग इवन हो या ऑड हो, 360 90 into 4 ऑलरेडी इवन है तो ये कभी नहीं बदलेगा, डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों का था 180 था, ऐसे पता चल जाना चाहिए नहीं बदलेगा। यहाँ 180 था नहीं बदलेगा। मैं अगर आपको यहाँ पे दू सपोज cot 360 प्लस थीटा, जैसे आपने 360 देखा, बदलेगा क्या ये? नहीं। तो ये cot थीटा ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। इज इट ओके? यस यस मैम। सबको अच्छे से समझ आया? हाँ मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आपका मैं उल्टा दूं, जैसे यहाँ पे मैं आपको डिग्री दे रही थी, आप मेरे को रिटर्न में आंसर दे रहे थे राइट? अब उल्टा करते हैं, मैं आपको आंसर दे रही हूँ, आप मुझे रिटर्न में क्वेश्चन बताना। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब हम लोग कोई भी चीज को लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ साइन x इज इक्वल टू हाफ। अब क्योंकि लेफ्ट में साइन है तो आप हाफ का भी साइन का ही वैल्यू ढूंढोगे, तो साइन के टेबल में हाफ कितना डिग्री पे आता है? 45। कब से? 30। तो साइन x इक्वल्स टू साइन 30, तो मेरे को यहाँ से x कितना मिलेगा? 30 डिग्री। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों साइड साइन है, ठीक है, इसलिए आपने एक बार में कैंसिल कर दिया। अब एक चीज देखो, अभी तक तो आप खाली 0 से 90 तक जानते थे तो एक ही आंसर था, पर अब तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले साइन को नोटिस करेंगे। यहाँ पे जो साइन है हाफ है, प्लस है ना, पॉजिटिव है, तो पहले ये बताओ कि आपका ये जो ट्रिगो है साइन, ये कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट राइट? तो मेरा दो आंसर आएगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आएगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आएगा। हम लोग अभी खाली फर्स्ट साइकिल में बात कर रहे हैं, 0 से 360 में, ठीक है, खाली 0 से 360 डिग्री का बात कर रही हूँ। 0 से 360 में साइन जो है वो दो जगह पॉजिटिव होता है, एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर तो मेरे को मिल गया 30 डिग्री। अब मुझे और एक आंसर कौन सा क्वाड्रेंट के लिए ढूंढना है? सेकंड क्वाड्रेंट। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं जो आप लोगों को शुरू का 3 क्लास पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा चाहिएगा। देखो, ये मेरा 0 डिग्री है अग्रीड, और 360 डिग्री होता है। ये मेरा 90 है, ये मेरा 180, ये हो गया 270। मुझे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं दो तरीके से जा सकती हूँ, या तो मैं 90 में कुछ ऐड कर सकती हूँ या मैं 180 में कुछ माइनस कर सकती हूँ। अग्री कर रहे हो? हाँ मैम। हाँ, अब देखो मैं राइट हैंड साइड में अगर साइन की जगह कोई और ट्रिगो लिख दूं तो क्या चलेगा? आप काट पाओगे? नहीं, आपको यहाँ पे साइन समथिंग ही लिखना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों साइड से हम लोग साइन साइन कैंसिल करते हैं। अब आप मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन सा में ट्रिगो नहीं बदलता? 180 वाले में तो हम लोग खाली उसी को यूज करेंगे, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूँ। सपोज मैं अगर यहाँ पे लिख दूं साइन 90 माइनस 30, ये होता क्या, ये तो कॉस 30 होता है ना, तो लेफ्ट में साइन राइट में कॉस, चलेगा क्या आपके? नहीं मैम, इसलिए हम ये नहीं लेते। तो जब भी कोई भी आपको एंगल मिसिंग दिया हुआ है और आपको उसका वैल्यू ढूंढना है, हम लोग इवन मल्टीपल्स का यूज करेंगे। तो पहला गो में हम लोगों के पास इवन मल्टीपल कौन है? एक है 180 और एक है 360, दो ही है। हमें जाना है चार क्वाड्रेंट में, तो पहला क्वाड्रेंट का आंसर तो हमें डायरेक्ट ही मिल जाता है, जैसे यहाँ मेरे को मिल गया 30 डिग्री, ये मेरा थीटा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो आप 180 माइनस करोगे। अब अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो आप क्या करोगे? 270, आप 270 माइनस कर सकते हो और क्या कर सकते हो? 180 प्लस। कौन सा में ट्रिगो नहीं बदलता? 180 प्लस। तो ये यूज नहीं करेंगे हम, वी वोंट यूज दिस। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? 360 माइनस होगा या तो 270 प्लस होगा। अगेन द सेम क्वेश्चन, किस में ट्रिगो नहीं बदलता? 360 माइनस, तो उसको रखेंगे, इसको हटा देंगे। इसका मतलब अगर आपको कोई भी एंगल चाहिए जिस भी क्वाड्रेंट में, आप पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो वैल्यू निकाल ही लो। जैसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू मिल जाता है, आप ये डिसाइड करो अब आपको आंसर चाहिए किसमें। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को आंसर अब कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर तो 30 आ चुका है, ये मेरा थीटा है। अब मुझे आंसर कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? सेकंड में चाहिए। सेकंड में मेरे को कैसे मिलेगा? 180 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे इसको 180 माइनस 30 लिख दूंगी, विच विल गिव मी 120। ये दोनों मेरे आंसर होंगे, सॉरी 150 डिग्री। अच्छे से समझाते हो। और अभी फर्स्ट गो था, मैंने क्या बोला कि अगर नोट टू फाइंड एंगल्स, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तब तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कोई मेहनत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर डायरेक्ट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे जाएंगे? 180 माइनस। हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? 180 प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा। सो अब मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ tan x इक्वल्स tan थीटा इक्वल्स टू √3। पहले आप ये देखो कि आपको जो आंसर दिया गया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है, तो अब आप सोचो कि चारों क्वाड्रेंट में से tan का वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और थर्ड। तो मुझे दो आंसर्स मिलेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और एक थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहला आप ये बताओ √3 का वैल्यू हमें कब मिलता है tan का टेबल में? थोड़ा लर्न करो, वैल्यूज अच्छा लगेगा। tan मैम tan 60 डिग्री होता है। तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट का आंसर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री आ गया, तो ये मेरा 60 जो है वो थीटा बन जाएगा। हाँ मैम, अग्री कर रहे हो सब लोग? हाँ मैम। अब मुझे जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा आंसर क्या बोला हुआ है? 180 प्लस थीटा। तो मैं अब यहाँ पे और क्या लिख सकती हूँ? tan 180 प्लस 60 डिग्री। हम लोगों का दो आंसर आ गया, एक होगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और एक हो जाएगा 180 प्लस 60 240 डिग्री। तो we'll have two values। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब cos का हम लोगों के पास दो वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। कॉस का हम लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यू है। कॉस का पॉजिटिव वैल्यू में दो क्वाड्रेंट में मिलता है, एक फर्स्ट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कॉस का टेबल में 1/√2 आता है, कॉस 45 डिग्री, तो ये मेरा थीटा हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा, तो और कॉस 360 माइनस 45। तो हम लोगों को दो क्या मिलेगा आंसर्स, एक हो गया 45 डिग्री और एक हो जाएगा 315 डिग्री। ये दो आंसर्स आएंगे। आई होप सबको समझ आया हो। सो ये वाला पार्ट का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। विल मूव ऑन टू मोर हायर एंगल्स। सो इसको देख के आप लोग सब बैठना नेक्स्ट क्लास के लिए।